हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ टी टाइम स्पेशल चिकन पकोड़ा रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को क्यूब्स कट में कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए लेमन जूस ऐड करेंगे, कुटा हुआ कोरिएंडर सीड्स ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे, साथ ही में क्यूमिन सीड्स, चिली फ्लेक्स, सोल्ट, गरम मसाला पाउडर, गार्लिक जिंजर पेस्ट, कोरिएंडर लीव्स एंड ऑयल ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को मिनिमम 2 से 3 आवर्स मैरिनेट करेंगे। चिकन मैरिनेट होने के बाद हम इसमें राइस फ्लावर ऐड करेंगे और उसके साथ ग्राम फ्लावर ऐड करेंगे। और अब चिकन को दोनों फ्लावर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए हम एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो पे रखेंगे और उसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन पकोड़ा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे ऑयल से रिमूव कर लेंगे। चिकन पकौड़ा रेडी है सर्व करने के लिए। हम इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल और क्विक बनने वाली टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Thank you for watching.